बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप सब के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ये आज आपसे गुफ्तगू है, ये हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन पे ही है जिस पे आपसे दो तीन बार एंगेजमेंट हो चुकी है। और उसमें मैं शुरू में दो तीन कमेंट्स जो कल कोई बड़े अजीब से पीएमएलएन के अंदर एक फाइनेंस मिनिस्टर के दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर की कारकर्दगी पे रहे, उस पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो ये कि जो मैं पहले एड्रेस करना चाहता हूं, फिर बाद में उसमें डिटेल पे बात होगी कि जो कुछ सोशल मीडिया पे अफवाह चल रही है, हमारा सूबा बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं करेगा। तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहें मिलेंगी। आज इस महीने का पहला वर्किंग डे है और आज से ही मिलेगी। जो इसमें इशू था वो मैं आपको बाद में समझा देता हूँ, और वो इशू जो फेडरल गवर्नमेंट से ट्रांसफर्स जिस पे मैंने आपसे पहले बात की है उससे रिलेटेड था। लेकिन मैं दोबारा से क्लियर कर दूं कि इसके बावजूद कि पिछले छः महीनों में पॉलिटिकली हमारे साथ बड़ा अजीब रवैया रहा है फाइनेंस डिवीजन टू फाइनेंस डिपार्टमेंट केपी, लेकिन हम ये पिछले महीने और आपसे जो लास्ट टाइम कॉन्वर्सेशन हुई थी उसके बाद हम काम करते रहे हैं। हम किसी भी तरीके से सूबे को किसी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में जो है वो नहीं छोड़ेंगे, ये बात क्लियर हो।